15 दिन हो गए। 21 जुलाई को इस्लामाबाद के मरकजी इलाके से दिन दिहाड़े सहाफी मतीउल्लाह जान को अगवा किया गया और फिर वो बाजियाब हो गए, मगर अब तक पुलिस अगवाकारों का सुराग नहीं लगा सकी और तहकीकात अभी जारी है। सुप्रीम कोर्ट में कल मतीउल्लाह जान के खिलाफ तौहीन अदालत के नोटिस की समाअत हुई। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत में पुलिस से मतीउल्लाह जान के अगवा की रिपोर्ट तलब की थी, जो आज पुलिस ने जमा करा दी है। अदालत में जमा कराई गई रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे के इंदराज के बाद वजारत दिफा, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI से मुआवनत की दरख्वास्त की गई। जहां से अगवा किया गया उस मकाम की जियो फेंसिंग की दरख्वास्त की गई। मोबाइल कॉल डेटा के लिए वाकये के दिन ही दरख्वास्त मुतालिका महकमे को लिख दी गई थी। इस्लामाबाद सेफ सिटी के कैमरों का रिकॉर्ड भी मांगा गया है, लेकिन अभी तक किसी महकमे ने भी जवाब नहीं दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाजियाबी के मकाम से आंखों पर बांधी गई काली पट्टी और टेप भी बरामद कर लिए गए, मगर उनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी मौसूल नहीं हुई। नादरा ने भी फुटेज में मौजूद अगवाकारों की शनाख्त के बारे में कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि मामले की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश की, GIT बनाई जाएगी और फिर वही इसकी तहकीकात करेगी, जबकि मतीउल्लाह जान के अगवा के मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा 7 भी शामिल कर ली गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजरिमान की तलाश और शनाख्त के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। अब कल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखेगी।